अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है, क्यों? क्योंकि अब ये लोअर कंसंट्रेशन के सेल के अंदर है, वहां से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे इसे एनर्जी और इस बैटरी की जरूरत पड़ेगी। हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू और मोर सब्सटेंसेस अट्रैक्ट इंटरैक्ट विद एन स्पेसिफिक मेंब्रेन प्रोटीन। जैसे हम कह रहे हैं कि कैरियर प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट करती है, वो सेल के अंदर लेकर जाती है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेके जाती है, किसी भी दो सब्सटेंसेस को इकट्ठे लेके जाती है। एक तो सब्सटेंस हो गया सोडियम, जो कि हमने देखा था कि डिफ्यूज करता है डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की बात कर रहे हैं। डाउन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करें, इसका मतलब ये ल्यूमन से, ट्यूबुलर ल्यूमन से ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में आने की बात हो रही है, ठीक है। सो ये डाउन आ रहा है कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और फिर एनर्जी तो रिलीज हो रही है ड्राइविंग अनदर सब्सटेंस फॉर द ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये को ट्रांसपोर्ट हो रही है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स की। वन ऑफ द सब्सटेंस इज सोडियम इस सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में, ये तो डाउन आ रहा है। एंड द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू ड्राइव, एनर्जी रिलीज कहाँ पर हो रही थी? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद थी, ठीक है। वहां से उस एनर्जी की वजह से ये सेकेंडरी एक्टिव क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, ये अपने साथ सोडियम के साथ ग्लूकोज भी लाएगी, और समटाइम्स सोडियम के साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स भी चले जाते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी फ्रॉम अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो कंबाइन करते हैं सोडियम को भी, अमाइनो एसिड्स को भी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। डायरेक्टली इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एटीपी यूज हो रही है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी है, वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप की है, ठीक है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक ही उसमें उन्होंने बता दी है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यहाँ पे तो पंप काम कर ही रहा है, लेकिन ये जो सोडियम है उसके साथ ये कैरियर प्रोटीन हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे पिंक उसमें आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या कर रहा है कि एक सोडियम इसके साथ इसके लिए यूज हो रहा है, एक स्लॉट पे आके सैचुरेट हो रहा है, दूसरी जगह पे ग्लूकोज आके लग रहा है। इस कैरियर प्रोटीन ने डायरेक्ट एनर्जी यूज नहीं करनी है, इनडायरेक्ट सोडियम पोटेशियम की जो एनर्जी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, ये सोडियम पोटेशियम जो है पंप है, उसकी वजह से जो यहाँ पे एनर्जी ड्राइव हो रही थी वहीं से वो सोडियम जो है जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में मौजूद है, या हम ये कहें कि जो मौजूद है सोडियम पोटेशियम पंप इंटरस्टिशियल या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पर वो पंप मौजूद है, और सोडियम कैरियर प्रोटीन के जरिए जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से अंदर एंटर हो रहा है, और उसके साथ उस कैरियर प्रोटीन पे सोडियम भी है और ग्लूकोज भी है, ये दो कंपाउंड इकट्ठे होके अंदर आएंगे। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, डायरेक्टली ये नहीं यूज करती एनर्जी, ये इनडायरेक्टली सोडियम पोटेशियम पंप जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है उसकी एनर्जी यूज हो रही है। हमें इस डायग्राम में अगेन फिर यहाँ पे एक और एक चीज नजर आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ट्यूबुलर सेल्स है, और उसके बाद जनाब देखें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब ट्यूबुलर ल्यूमेन से जो सोडियम और ग्लूकोज अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? SGLT। एस से हो जाता है सोडियम, GL से ग्लूकोज, T से ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि सोडियम और ग्लूकोज को अंदर लेके जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे GLUT लिखा हुआ, यह है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसे नीचे वाला थोड़ा सा जो पोर्शन है इसी डायग्राम के अंदर, इधर हम देखेंगे NHE लिखा हुआ, ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब जहां पे सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठे अंदर जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, कौन सी ट्रांसपोर्ट है? ये को ट्रांसपोर्ट है। जहां पे सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट कहलाएगी, ठीक हो गई ये बात, ठीक है। किस तरह से हम देखेंगे कैरियर प्रोटीन एक सोडियम एक ग्लूकोज को अंदर लेकर जा रही है, डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं कर रही, इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है सोडियम पोटेशियम पंप फ्रॉम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। फिर हमने यहाँ पे देखा ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सोडियम को भी लेकर जा रहे हैं, ग्लूकोज को भी लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से नीचे देखेंगे अमाइनो एसिड्स भी लिखा हुआ है, तो सोडियम के साथ समटाइम्स अमाइनो एसिड्स भी जा रहे हैं थ्रू कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जो दो आयन्स इकट्ठे जाएंगे अंदर वो ट्रांसपोर्ट, जो एक्सचेंज में जाएंगे वो काउंटर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अच्छा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो SGLT2
सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1 है। ये ब्रश बॉर्डर ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे हैं। ये ग्लूकोज को कैरी करते हैं इनटू द सेल साइटोप्लाज्म अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। ठीक है, अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज जो होता है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 के जरिए इन द अर्ली पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं कि S1 सेगमेंट है। हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें सेगमेंट्स अलग से भी दिए हुए हैं उन्होंने कि सेगमेंट S1 है, S2 एंड S3 है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 3 मोस्टली, और सेगमेंट 2 की बाद में डिस्कशन आएंगे। सो 90% जो फिल्टर हो रहा है ना ग्लूकोज, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 के जरिए इन द अर्ली पोर्शन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, या जैसे हम कहते हैं S1 सेगमेंट। या बाकी का जो 10% रेजिडुअल ग्लूकोज जो फिल्टर्ड ग्लूकोज है, ये ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इन द लेटर सेगमेंट्स ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बिल्कुल आखिरी वाले उसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले वाले पोर्शन में 90% ग्लूकोज फिल्टर जो था वो रीअब्सॉर्ब हो गया, आखिरी वाला जो थर्ड पोर्शन था उसका S3 सेगमेंट जो था, या जो उसका दूसरा पोर्शन था जो लेटर सेगमेंट जिसे हम कह रहे हैं, वहां पे 10% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया। ये तो हमने बात की थी कि इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की उस मेम्ब्रेन के ऊपर है ये सारा। अच्छा जी, उसके बाद बेसोलेटरल साइड जो है मेम्ब्रेन की, ग्लूकोज डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2। अब हम फिर इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, आपको फिर यहाँ पे नजर आएगा ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वहां पर भी ग्लूकोज सेल से बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाता है, वहां पे हेल्प कौन करता है इसका ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 करते हैं। वहां पे क्या था, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सोडियम और ग्लूकोज दोनों इकट्ठे अंदर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब सोडियम अंदर रह गया क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत थोड़ी होती है। अब ग्लूकोज था वो सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाना था, तो अब सिर्फ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से सिर्फ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि उसको वहां पर लेके जाएंगे इन द S1 सेगमेंट एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इन द लेटर और S3 सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1 ये कहाँ से लेकर आएंगे उसको, ल्यूमन से, ट्यूबुलर ल्यूमन से इसे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये जैसे सेल में आ गए वहां से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स थे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1, यहाँ से सिर्फ ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इंटरस्टिशियल फूड कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ये अगर हम डायग्राम एक देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है उसका S1 सेगमेंट है बिल्कुल वुमेन्स कैप्सूल के नीचे ही, उसके बाद S2 सेगमेंट आ जाता है, उसके बाद उसका एक S3 सेगमेंट आ जाता है, उसके बाद लूप ऑफ हैनले स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, ऑल द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट अ केमिकल ग्रेडियंट डज नॉट डायरेक्टली यूज ATP। हालांकि ग्लूकोज से वो अगेंस्ट अ केमिकल ग्रेडियंट जो है यूज हो रहा है वहां पे, वो उतने भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। अब ये जो पंप था जो कि बेसोलेटरल पे मौजूद था ये फैसिलेटेडली ये फैसिलेट कर रहा था फैसिलेटेड डिफ्यूजन फॉर सोडियम के लिए, वहां पर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। क्यों डाउनहिल डिफ्यूजन थी सोडियम की टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डाउनहिल का मतलब है कि वो पहले ज्यादा थी अब नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ पे ज्यादा थी, ट्यूबुलर ल्यूमन में सोडियम ज्यादा था, अब वो सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा था सेल के अंदर जाना था क्योंकि सेल में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, सो एनर्जी फॉर द साइमल्टेनियस अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। अपहिल का मतलब क्या, ये ज्यादा की तरफ जा रही है फ्रॉम कम डाउन से ऊपर की तरफ जा रही अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूबुलर ल्यूमन है उसमें कंसंट्रेशन इसकी ग्लूकोज की कम होती है और सेल के अंदर ज्यादा होती है, तो अब यहाँ से ग्लूकोज है वो ज्यादा की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगेन जो रीअब्सॉर्प्शन है ग्लूकोज की ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आती है बिकॉज ग्लूकोज इटसेल्फ इज रीअब्सॉर्ब्ड अपहिल अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट बट इट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, ये खुद रीअब्सॉर्ब हो रहा है अपहिल अगेंस्ट अ केमिकल ग्रेडियंट मगर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम की। ठीक हो गई ये बात,
आगे चलते हैं हम सेकेंडली एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ट्यूब्स. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो जो है वो कोर ट्रांसपोर्ट हो रही थी, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट. कोर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या था, सोडियम और ग्लूकोज जा रहे थे. सोडियम और ग्लूकोज डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं करते, उनकी जो एटीपी की जो एनर्जी आ रही होती है, एटीपी की एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है. अच्छा जी, ये दोबारा ही मैं रिपीट ही कर रही हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम पहले फैसिलिटेड डिफ्यूजन है कैरियर प्रोटीन्स के जरिए. ये सोडियम और ग्लूकोज ये दोनों को दोनों आ रहे हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से, ट्यूबुलर ल्यूमन जो ल्यूमन है जिसमें कि फ्लूड फिल्टर होकर आ रहा हुआ है. कहाँ से आ रहा फ्लूड फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, वुमन्स कैप्सूल से. अभी जो फिल्ट्रेशन वाला सारा फ्लूड है ये कहाँ पहुँचा था आकर, ये पहुँचा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जैसे ये पहुँचा है सोडियम भी, तो सोडियम तो रीअब्सॉर्ब हो गया थ्रू पैरासेलुलर पाथवे भी हो रहा था और ट्रांससेलुलर पाथवे भी होता है. ट्रांससेलुलर पाथवेज के ऊपर हमने देखा कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं क्योंकि इस फिल्टर्ड फ्लूड के अंदर ग्लूकोज भी मौजूद है. तो ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम के साथ उसे जो कैरियर प्रोटीन जो उसका उसकी जो गाड़ी मौजूद है, हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि जो गाड़ी मौजूद है, ट्रक मौजूद है, ये सोडियम के साथ उसमें बैठ जाता है. ठीक है, उसको अलग से किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं है, हालांकि अगेंस्ट ये उस गाड़ी में बैठ के आ जाता है. सोडियम को डायरेक्टली उसके लिए एटीपी यूज नहीं करता क्योंकि ट्यूबुलर ल्यूमन के ऊपर जिसे हम प्रश बॉर्डर या जिसे हम अपाइकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहां पे एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही. ठीक है, क्यों नहीं हो रही, सोडियम क्यों वहां पे एटीपी यूज नहीं कर रहे, उसका दो रीजन है. क्योंकि ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, इनसाइड द सेल जहां पे उसे ट्रांसपोर्ट होकर जाना था वहां पे कम है. तो वो जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन वो इजीली डिफ्यूज कर रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रही है. ठीक है, और दूसरा वो पैरासेलुलर पाथवेज के जरिए भी जा रहा है, दूसरा वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं. अब ये कैरियर प्रोटीन थोड़ी सी जो एनर्जी या इनडायरेक्ट जो एनर्जी यूज कर रहा है वो है मौजूद एनर्जी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मौजूद है जो कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है. ठीक है, सोडियम कैसे जा रहा है, वो डाउनहिल जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वो ज्यादा था पहले ट्यूबुलर ल्यूमन में, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है इनसाइड द सेल. लेकिन जो ग्लूकोज है वो अपहिल जा रहा है, इसका मतलब ये कि ये ट्यूबुलर ल्यूमन में कम था और इनसाइड द सेल या जहाँ पे आगे ये ट्रांसपोर्ट होके फाइनली पहुंचना है इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो ये इस कैरियर प्रोटीन को यूज करेगा, इस कैरियर प्रोटीन के जरिए सोडियम की जो इनडायरेक्ट एनर्जी वहां से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से इनडायरेक्टली ले रहा है, जैसे कह रहे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस, ये ग्लूकोज उसके साथ उस गाड़ी में बैठ के आ जाएगा, ना उसे किराया देना पड़ेगा ना उसे फ्यूल खर्च करना पड़ेगा. ठीक हो गया, डन. तो ये था कोर ट्रांसपोर्ट, वो उसी की गाड़ी में बैठ के आ गया, ना उसका खर्चा लगा ना ही उसको फ्यूल एक्सपेंड करना पड़ा. अच्छा जी, उसके बाद हम सेकेंडरी एक्टिव सिक्रीशन इनटू द ट्यूब्यूल्स. अब हम सिक्रीशन की बात भी करेंगे. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सिक्रीट करते हैं ट्यूब्यूल्स में बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या जिसे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कह रहे हैं, ऑफ द सब्सटेंसेस विद द सोडियम आयंस. अब सोडियम का देखिए कितना मजेदार रोल है कि सोडियम जो है कहीं पे किसी के को पहुंचा रहा है, लाइक को ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज को अमाइनो एसिड्स को पहुंचाया, कहीं पे ये काउंटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि जी मैं चला जाता हूँ और आप मेरी जगह पर आ जाए. ठीक है, सो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है. इन काउंटर ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी लिब्रेट हो रही है फ्रॉम डाउनहिल मूवमेंट, इसका मतलब वो पहले ज्यादा था अब वो कम की तरफ जा रहा है. ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज सोडियम एनेबल्स अपहिल मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी सब्सटेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब ये क्या कर रहे हैं, हम अगर उस पहली डायग्राम के ऊपर आ जाए, दोबारा आप लोगों को दिखा देती हूँ जहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट हो रही है. ये सॉरी पीछे चली गई है. यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम कहाँ पे जा रहा है, डाउनहिल. पहले कम था ट्यूबुलर ल्यूमन में, अब ये ज्यादा की तरफ आ रहा है. हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पे कम है. अब ये यहाँ पे ये एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है जो कि काउंटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ये इसको कट्ठे लेके अंदर नहीं जा रहा सोडियम, ठीक है. हाइड्रोजन तो आता ही सिक्रीट ही अंदर से हो रहा है ना, सेल से सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, सो सोडियम डाउनहिल डिफ्यूजन कर रहा है एनर्जी फॉर द साइमल्टेनियस, वहीं से वो एनर्जी यूज हो रही है फॉर द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉरी हम आ गए हैं ये काउंटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब डाउनहिल मूवमेंट थी सोडियम की और इट एनेबल्स द अपहिल मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी सब्सटेंस इन द अपोजिट.
डायरेक्शन। अब कौन से ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव जो सिक्रीशन हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन आयन की कपल टू सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब। अब ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे सोडियम रीअब्सॉर्ब करेगा, जैसे सोडियम अंदर जाता है फौरी तौर पर उसके साथ ही जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। सोडियम एंट्री इनटू द सेल इज कपल्ड विद हाइड्रोजन एक्सट्रूजन फ्रॉम द सेल बाय सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ठीक है, पिनोसाइटोसिस भी है एक और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब आप लोग इस प्रोटीन के वर्ड पे थोड़े परेशान हो गए कि जिस प्रोटीन तो थी ही नहीं तो ये रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से होगी, प्रोटीन तो फिल्टर नहीं हो रही थी। अगर आप लोग अपने चैप्टर 27 को रिकॉल करें उसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1 है उसमें, उसमें आप सबसे नीचे सेकंड लास्ट में देखेंगे तो मायोग्लोबिन के नाम से एक प्रोटीन है जिसकी फिल्टरेबिलिटी 0.75 थी और उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 17,900 समथिंग था। ठीक है, अब क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में से नहीं है तो ये फिल्टर होकर आ रही थी। हमारे पास एक ये मायोग्लोबिन की प्रोटीन मौजूद है जो अगेन थोड़ी सी मौजूद होती है, नॉट इन प्लाज्मा प्रोटीन, ये मायोग्लोबिन एक प्रोटीन थी। ठीक है, हम देखेंगे टेकिंग अप अ ड्रॉपलेट ऑफ ईसीएफ या सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वहां पर रीअब्सॉर्ब किया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स बाय पिनोसाइटोसिस। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अभी फ्लूइड वहां से फिल्टर ही कर रहा है, ठीक है, वहां से लार्ज मॉलिक्यूल एक जो है वो विद द हेल्प ऑफ द स्पिनोसाइटोसिस उसमें प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन अटैच टू द ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर पे आके वो अटैच करती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, फॉरन वो इन्विजिनेट हो जाती है इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द वेसिकल इज फॉर्म्ड कंटेनिंग दिस प्रोटीन। जैसे ही वो आती है सेल वो ड्रिंक कर रहा है ना, सेल वो पी रहा है, तो जैसे ही फिल्टर्ड फ्लूइड में वो मायोग्लोबिन वो प्रोटीन आती है उस ब्रश बॉर्डर के साथ अटैच होती है, फौरन वो इन्विजिनेट हो जाती है अंदर की तरफ, उसको खींच लिया जाता है। जैसे वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट होती है तो अंदर एक वेसिकल बन जाता है, उस वेसिकल के अंदर क्या होती है प्रोटीन होती है। जैसे वो इनसाइड द सेल आती है वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये अमाइनो एसिड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं थ्रू डिसोलेटर मेम्ब्रेन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बिकॉज स्पिनोसाइटोसिस रिक्वायर्स एनर्जी इट इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे चले हम, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंस दैट आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं उनकी एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, मोस्ट सब्सटेंसेस आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड और सीक्रेटेड दैट इज अ लिमिट टू द रेट एट विच द सॉल्यूट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जिसे हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी है उसके अंदर 20 सीटें हैं, ठीक है, तो आप उसमें 20 लोग ही बिठाएंगे। हम बाहर के मुल्कों की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना, अगर कोई गाड़ी होती है तो उसमें 20 की जगह हम 40 लोग ही भर्ती कर देते हैं, वो नहीं है। हम एक नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक गाड़ी है 20 सीटें हैं, आपने 20 ही लोग बिठा दिए, ये इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम थी, 20 से ज्यादा लोग नहीं बिठा सकता क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस जो रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहे हैं, सीक्रेट हो रही है, उनकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि ये इतने ही सॉल्यूट्स इतनी ही रेट पे चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। एंड दिस लिमिट इज ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सीटें सारी भर चुकी हैं, सैचुरेट हो चुकी हैं। अगर किसी आयन की बात करें तो जिन जिन जगहों पर उस आयन ने अटैच होना था उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट वाले जगहें भर चुकी हैं। इन्वॉल्व इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिलीवर्ड टू द ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर लोड। ट्यूबुलर लोड हम किसे कहते हैं, जब भी ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूड फिल्टर कर रहा है अगर वो फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाए अमाउंट में तो हम कहेंगे ट्यूबुलर लोड ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दिस लिमिट इज ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिलीवर्ड टू द ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर लोड एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। ट्यूबुलर लोड बहुत ज्यादा हो गया, ट्यूब्यूल में सोडियम बहुत ज्यादा आ गया, तो कैरियर प्रोटीन क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि इतनी तो सोडियम उठाने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की हम बात करें, सोडियम की एग्जाम्पल देते हैं कि सोडियम जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन।
करियर प्रोटीन में जितनी जगह थी सोडियम को उठाने की उसने ले ली, क्योंकि टिब्यूलर लोड में या जो फ्लूड फिल्टर होके आ रहा है उसमें सोडियम अगर बहुत ज्यादा है, अगर वो टिब्यूलर लोड एक्सीड कर जाए तो कैपेसिटी ऑफ कैरियर प्रोटीन वो सैचुरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एडल्ट ह्यूमन में देखें तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो ग्लूकोज के लिए वो 375 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से, वेयर एज द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज इज ओनली अबाउट 125 mg पर मिनट है। जब देखें फिल्टर्ड लोड जो है ना 125 मिलीग्राम पर मिनट है, तो देखो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो सैचुरेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कब होगी जब फिल्टर्ड लोड 125 से बढ़ जाएगा। ये बात समझ आई होगी डेफिनेटली आप लोगों को। हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की बात करें तो सोडियम की एग्जांपल दी हमें, हम इसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज को उठा लेते हैं कि ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कि वो उसकी जो कैरियर प्रोटीन्स है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से ही उठाएंगे, इससे ज़्यादा उसकी जगह नहीं है। लेकिन फिल्टर्ड लोड जो ग्लूकोज का 125 है मिलीग्राम पर मिनट, इसका मतलब बड़ा डिफरेंस है, फिल्टर्ड लोड नॉर्मल है 125 और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिजीज या जब फिल्टर्ड लोड बढ़ जाए या डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड लोड एक्सीड कर जाता है, ये 200 से अबव चला जाता है, तो बाद में जो उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, वो उससे ज़्यादा उठा नहीं सकता शुगर को, फिर क्या होता है कि यूरिन में शुगर अपीयर होना शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे एक सैचुरेशन ऑफ अ कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस ग्राफ को देखेंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट जो पहला एरो आ रहा है वो दिखा रहा है कि जी बिल्कुल ठीक था ग्राफ, नॉर्मल रेट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट था, और यहाँ पे दूसरी जो कैरियर प्रोटीन थी दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए, दो अंदर पहुँच गए, एक अभी भी खाली है। फिर ये देख रहा है कि जी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ये दिखा रहा है कि जी ये फिर थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना शुरू हो गई, ये दोनों कैरियर प्रोटीन जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। ये ग्राफ का तीसरा एरो हमें शो कर रहा है कि कैरियर प्रोटीन तो सैचुरेट हो चुके हैं, बल्कि बम्बार्डमेंट हो गई है बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो आगे जमा हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि हम सोडियम की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को दोबारा से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को थोड़ा सा रिपीट करूंगी, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में क्या हो रहा है कि काफी सारे सब्सटेंसेस जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं या सिक्रीट पे होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक लिमिट ये होती है कि एक गाड़ी है, बस है, जिसमें 20 सीटें हैं, तो उसमें आप 20 ही लोग बिठाएंगे ना, ठीक है, ये उसकी सैचुरेशन लिमिट थी, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो उस बस के बाहर अगर 40 लोग आकर खड़े हो गए, इसका मतलब आपने लोड बढ़ा दिया, ट्यूबुलर लोड ज़्यादा हो गया, या हम कह दें कि जो शुगर थी उसने तो रीअब्सॉर्ब होना था, उसकी मैक्सिमम थी 375, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं हो सकती थी। अगर आपने शुगर किसी मरीज की देख ली कि जी जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो उससे ज्यादा तो शुगर नहीं उठा सकता, इसका मतलब है कि वो कहाँ रहेगी, यूरिन के अंदर अपीयर रहेगी। सिमिलरली उस बस के अंदर जब 20 लोगों की जगह थी आपने 40 लोग बाहर आके खड़े हो गए, तो बाहर वो ही खड़े रहेंगे ना, अंदर तो नहीं जा सकते, ठीक है, दैट मीन्स दे आर अपीयर इन द रोड। सिमिलरली ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, जो उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है एट ह्यूमन के अंदर, वो 375 mg पर मिनट है, और जबकि फिल्टर्ड लोड जो है, जो फिल्टर होके ग्लूकोज आ रहा है वो 125 मिलीग्राम पर मिनट है, ठीक है। सो अगर हम देखें कि GFR को मल्टीप्लाई कर दें हम प्लाज्मा ग्लूकोज के साथ, ठीक है, तो कितनी और उसके फॉर्मूले में हम देखें तो GFR 125 होता है, ठीक है, और 1 mg पर ml के हिसाब से हम उसमें प्लाज्मा ग्लूकोज देख रहे हैं, सारा नॉर्मल प्रोसीजर बता रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पे इतनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, फिल्टर्ड लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से इतना फिल्टर्ड लोड है, और 375 तो जी हमारे पास तो सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना तो इतने तो लोग ही नहीं हैं, तो ये बड़ा आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज 125 से ऊपर हो जाए, 200 उसको क्रॉस कर जाए, अबव 200 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 है वो इतनी तो कर लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा फिल्टर लोड ज़्यादा होगा तो नहीं कर पाएगा, और रिमेनिंग जो ग्लूकोज जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये फिल्टर्ड लोड और ये चीज़ें उनको डिफाइन आगे और भी थोड़ा सा कर लेते हैं।
ये सैचुरेशन का आपको बता रहे थे यहाँ पे कि कैरियर प्रोटीन्स किस तरह से सैचुरेट करते हैं। नॉर्मली पहले थोड़ी सी थी, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो गए, थोड़े से और हुए, सैचुरेट होना शुरू हो गए। फाइनली अब तो सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है कि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट तो हो रहे हैं लेकिन कुछ बाहर भी रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम में उसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड रीअब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन इन मिलीग्राम पर मिनट, ये हमें वाई एक्सिस में नजर आ रहा है कि 100 से 200 और 900 तक गया है। उसके बाद प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर 100 ml में नजर आ रही है कि इसमें प्लाज्मा में इसकी जो है वो जो कंसंट्रेशन है ब्लड शुगर की या ब्लड ग्लूकोज की वो 100, 200, 300, 400, 500, 800 तो बहुत ही वो है। लेकिन हम आपको नॉर्मल क्या बता रहे हैं, आपको ये नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है जिसपे एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक कलर के डॉट को अगर आप ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड की तरफ लेकर चले जाएं या उसको आप नीचे की तरफ ले आए, तो अगर नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो इसका मतलब कि प्लाज्मा ग्लूकोज 125 है, ठीक है। फिल्टर्ड लोड भी आप देख रहे हैं कि ये आपको 150 तक नजर आ रहा है या बिलो 200 है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो सकता है, सारा का सारा रीअब्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। आप इस ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाएं, फॉर एग्जांपल आप इस ग्राफ को ऊपर की तरफ किस तरह से लेकर जाते हैं कि आप नीचे प्लाज्मा में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखें 200 पे पहुंची, विच इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये 200 पे हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गया इसका, ये बहुत ज्यादा शुगर होना शुरू हो गई है। तो ये क्या करेगी, ये रीअब्सॉर्प्शन तो होगी होगी, अब ये यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी शुगर, ठीक है। ये अपनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है इसकी, ये होनी चाहिए थी 375, ठीक है, ये 375 पे इसने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी किया, रीअब्सॉर्प्शन भी हुई है और ये एक्सक्रीट होना शुरू हो गई है इनटू एन यूरिन, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो बहुत इसकी मैक्सिमम लिमिट है, नॉर्मल कितना होना चाहिए 125 तक अपीयर होना, नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी इन प्लाज्मा। लेकिन अगर ये प्लाज्मा में ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मा में ज्यादा हो गई तो फिल्टर्ड लोड भी इसका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को सारा क्रॉस करेगी, उसके बाद ये यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी। लार्ज इंक्रीज इन GFR and or plasma glucose concentration increases the filtered load of glucose more than 375 mg per minute and the excess glucose filtered is not reabsorbed and passes into the urine. ये बात हम अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या इन एनी केस GFR बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ग्लूकोज का फिल्टर्ड लोड ज्यादा हो गया, जितनी ग्लूकोज फिल्टर होकर आ रही है या GFR की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ग्लूकोज अगर अपने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से ज्यादा हो गई, फिल्टर्ड लोड भी उसका ग्लूकोज का 375 से ज्यादा हो गया, तो जो एक्सेस ग्लूकोज फिल्टर हुई है ना वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी रीअब्सॉर्ब हो सकती है 375 तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो ज्यादा है और वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही तो दिस पासेस इनटू द यूरिन एंड व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज राइजेस अबव अबाउट 200 मिलीग्राम पर 100 इंक्रीजिंग द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज अबाउट 250 mg पर मिनट, ठीक है। सो प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 200 हो जाएगी, पहले हमने कितने कहा नॉर्मल की थी 125, ठीक है, अगर ये 200 हो गई तो इसका मतलब फिल्टर्ड लोड तो बढ़ गया, फिल्टर्ड लोड भी 250 तक आ गया, अब थोड़ा सा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज टर्म्ड द थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज क्या हो जाता है, 200 तक अगर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है तो ये फिल्टर्ड लोड को ज्यादा कर देगी, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ये थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज के लिए कि इतना अगर हो गया तो अब ये यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी एंड दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, राइट। सो अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कितना है 200 तक है, और 200 में क्या है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर 200 तक है तो ये फिल्टर्ड लोड को 250 तक जरूर लेकर जाएगी, और उसके बाद फिल्टर्ड लोड अगर 250 तक चला गया तो इसका मतलब वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी इन यूरिन, और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज है, और यहाँ पे ये अपीयर हो रही है यूरिन में। अच्छा, एक और एक हम बात नोट करेंगे कि
appearance of glucose in the urine at the threshold occurs before the transport maximum reached. ये भी बात आपके माइंड में जरूर आई होगी इस डायग्राम में कि थ्रेशोल्ड तो आ गया, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं पहुंचा और यूरिन में अपीयर होना शुरू हो गई. भाई क्यों? क्योंकि उसकी भी एक बड़ी अच्छी रीजन है. वन रीजन, डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एंड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज नॉट ऑल नेफ्रॉन्स हैव द सेम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज. क्योंकि नेफ्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो थ्रेशोल्ड है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो सारा का सारा सेम नहीं है फॉर ग्लूकोज. हर नेफ्रॉन का अलग अलग से फंक्शन है. हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अभी पहुंचा ही ना हो, वहां तक ग्लूकोज पहुंची ही ना हो. एंड सम ऑफ द नेफ्रॉन देयरफॉर बिगिन टू एक्सक्रीट ग्लूकोज. अब कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को रीच कर गए और उन्होंने यूरिन अपीयर करना शुरू कर दी. कुछ तक अभी शुगर पहुंची नहीं है, कहीं पे अभी तक फिल्ट्रेशन पॉइंट पहुंची नहीं. ये नहीं कह सकते कि सारे नेफ्रॉन में बिल्कुल साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे फिल्टर हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? And therefore begin to excrete glucose before others have reached their transport maximum. बहुत ज़्यादा nephrons हैं, तो हर किसी का transport maximum में time का एक थोड़ा सा duration आ जाता है, वो second जो milliseconds की बात है, ठीक है? So सारे nephrons जितने भी हैं, एक difference होता है कि उनका threshold कि वो 200 तक पहुँच गया हर nephron, उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 तक पहुंच गया. तो सारे नेफ्रॉन का ये जो थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना, ये एक ही टाइम पे नहीं हो रहा, एक ही सेम उनका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता. तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है फॉर द किडनी व्हिच इज नॉर्मली अबाउट ओवरऑल के तो 375 इज रीच व्हेन ऑल नेफ्रॉन्स हैव रीच देयर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी टू रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज. ये सारे नेफ्रॉन्स की इकट्ठी बात की गई है 375 की, ठीक है? लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज की वो इतनी है 375. अगर तो फिल्टर लोग ज़्यादा है, प्लाज्मा में ब्लड शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिल्टर ज़्यादा हो कि ग्लूकोज आ रहा है, तो मैक्सिमम सारे नेफ्रॉन जो मिलके कर सकते हो 375 कर सकते हैं. लेकिन अगर पहले से यूरिन में अपियर हो रही है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की नहीं है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द नेफ्रॉन्स ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड थ्रेशोल्ड डिफरेंस. Plasma glucose of a healthy person almost never become high enough to cause glucose excretion in the urine even after eating a meal. आप खाना भी खा लेते हैं, कोई शब्द खाना भी खा लेता है, तो जरूरी नहीं कि खाना खाने के बाद भी हेल्दी पर्सन में जो है उसकी ब्लड ग्लूकोज इतनी हाई हो जाए तो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाए. समटाइम्स हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं या हम एक्सपेरिमेंटली देखते भी इन चीज़ों को कि सब्जेक्ट्स में कि जी मुझे शुगर है तो नहीं, लेकिन वो पेशाब वाले उसमें टेस्ट में आ गया था. विच इज़ कि सब्जेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए अपने आप को, उसके अपनी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल. अगर यूरिन में अपीयर हुई है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग, ठीक है? सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में प्लाज्मा ग्लूकोज में राइज टू हाई लेवल्स, फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज टू एक्सीड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड रिजल्टिंग इन यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन. अब इसका जो समअप है सारी चीज का कि ग्लूकोज नॉर्मल जो है प्लाज्मा में 125 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है? और इसका जो टोटल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कि जो यूरिन में फिल्टर होकर जो फ्लूड आ रहा है वो कितना उसको रीअब्सॉर्ब करा सकता है, 375 तक कर सकता है. ये इसकी कैपेसिटी है उसके कैरियर प्रोटीन्स की. लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के हम देखेंगे कि किसी पेशेंट या किसी रिपोर्ट में देखते हैं कि यूरिन में ब्लड शुगर अपीयर हो रही है, दैट मीन्स ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? अब अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ रही है, और उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, उसका फिल्टर्ड लोड ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा यूरिन में अपियर होगी, फिल्ट्रेशन में ज्यादा आगी, तो क्या कर देगी, उसकी जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो नॉर्मल थी 375 उसको पहुंच नहीं सकेगा. शुगर ज्यादा होगी, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम सारी की सारी कैरियर प्रोटीन सैचुरेट होगी, उतनी ग्लूकोज तो उठा लेंगी, बाकी की यूरिन में रह जाएगी, और वो यूरिन में जो रह जाएगी वो वापस एक्सक्रीट आउट होगी यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन की सूरत में. यहाँ पे भी एक डायग्राम है जिसमें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को शो किया गया. एपिकल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ट्यूबल एपिथेलियल सेल्स हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम भी कुछ नजर आ रहा है, और ये जो है सोडियम पोटेशियम एक्टिव फॉर्म मौजूद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रही है इंटरन प्लाज्मा. ग्लूकोज को हम देखेंगे ये सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, सेल के अंदर आ रही है, फिर ये ग्लूकोज यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू द ब्लड, ठीक है?
ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय द ट्यूबुल्स, जिन जिन चीजों को जो है वो ट्यूबुल रीअब्सॉर्ब कर लेती है, जो उसके फ्लूइड उसमें ट्यूबुलर फ्लूइड फिल्टर लोड में मौजूद होती है, उन चीजों को ये सेल्स जो वो ट्यूबुल्स रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. ग्लूकोज को उठा लेती है इसकी दिन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में, फॉस्फेट को, सल्फेट्स को, अमाइनो एसिड्स 1.5 मिलीवोल्ट, यूरेट को, लैक्टेट को, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स को 3 mg पर मिनट के हिसाब से. ये ठीक है, ये इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है. ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली सीक्रेटेड, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली सीक्रेटेड. अब सीक्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सब्सटेंस एक्टिवली सीक्रेट करते हैं वो कौन कौन से थे. अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी, अब हम देखेंगे क्रेटिनिन जो है या पैरा अमाइनो ह्यूरिक एसिड है, ये सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है. Substances that are actively secreted also exhibit transport maximum as follows. ये सारी चीजें अगर देखें ना secrete हो रही हैं, तो इनकी transport maximum भी है कि इतनी reabsorption हो सकती है. इनकी creatinine 16 है mg और para amino butyric acid है वो 80 है, इतना saturate हो सकता है. Substances that are actively transported but do not exhibit a transport maximum. ये transport हो रहा है लेकिन इसकी transport maximum की limit नहीं है. इसकी कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं. द रीजन दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट्स आर ऑफन एक्सिबिट इन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज दैट द ट्रांसपोर्ट कैरियर सिस्टम बिकम सैचुरेटेड एज द ट्यूबुलर लोड इंक्रीजेस. इसकी रीजन क्या है कि सब्सटेंसेस जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनकी कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एसिड नहीं होती, ठीक है, उसको नहीं कर रहे. द रीजन उसकी क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट्स होते हैं often exhibits in transport maximum. The transport carrier system जो उसका become saturated as the tubular load increases. Tubules में जब भी load ज़्यादा हो जाएगा किसी का भी, तो क्या हो जाएगा, वो उसको उसकी carrier proteins को वो saturate कर देगी. Some substances that are passively reabsorbed do not demonstrate a transport maximum. कौन कौन सा passively reabsorb करें, sodium चला जाता है, because their rate of transport determined by two factors. एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के जरिए आ रहा था सोडियम, ठीक है, दूसरा परमेबिलिटी थी मेम्ब्रेन की फॉर द सब्सटेंस, और उसके बाद टाइम दैट द फ्लूइड कंटेन द सब्सटेंस रिमेन विद इन द ट्यूब्यूल्स. अब इसमें हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस टाइम जिसे हम ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड द टाइम दैट द सब्सटेंस इज इन द ट्यूब्यूल, व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ट्यूबुलर फ्लो रेट. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेडियंट टाइम में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन की बात की जाती है ज्यादातर, क्योंकि देखें ना सोडियम जो है वो ट्रांससेलुलर पाथवे भी आ रहा है, वो एक पैरासेलुलर से भी आ रहा था वहां पर, इसको पैरासेलुलर पाथवे से आता है, इसको किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी किसी कैरियर प्रोटीन की, वो सैचुरेट वो तो पैसिवली डिफ्यूज हो ही जा रहा था, ये तो कैरियर प्रोटीन के जरिए आ रहा है लेकिन अदरवाइज एक पैसिवली डिफ्यूज भी कर रहा था. सोडियम की अब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वेयर द मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ द बेसल लेटरल सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इज फार ग्रेटर देन द एक्चुअल रेट ऑफ नेट सोडियम रीअब्सॉर्प्शन. अब ये कह रहा है क्योंकि वहां पे ATPase पंप मौजूद है बेसल लेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम की, तो वहां पर तो उसकी रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़ी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल रेट ऑफ नेट सोडियम रीअब्सॉर्प्शन है जो कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे है वो अभी भी कम है, वहां पर बहुत ज्यादा है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. One of the reason for this is that the significant amount of sodium transport out of the cells leak back into the tubular lumen through the epithelial tight junctions. अब देखिए कितनी मजे की बात है, एक रीजन इसकी ये भी थी कि जो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था सेल से बाहर ये वापस लीक बैक भी कर रहा है, ठीक है, ये लीक बैक कहाँ कर रहा है, एक तो सेल से बाहर आ रहा था, दूसरा ट्यूबुलर ल्यूमन में आ रहा है थ्रू एपिथेलियल टाइट जंक्शन. एपिथेलियल टाइट जंक्शन अगर आप लोगों को याद हो, या मैं आप लोगों को डायग्राम में एक दफा फिर दिखा देती हूँ ऊपर, वो टाइट जंक्शन ये टाइट जंक्शन, ये एपिथेलियल टाइट जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, एक तो सोडियम यहाँ से अंदर भी आ रहा है आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये सिमिलरली यहाँ से बाहर भी जा रहा है, इन एपिथेलियल टाइट जंक्शन से ये बाहर की तरफ भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक हो गया. ठीक है जी, अब सब
सब्सटेंसेस जो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूज कर रहा है, दूसरी मेम्ब्रेन उसके लिए पर्मेबल थी, और दूसरी टाइम पीरियड जिस टाइम के लिए वहाँ पे उस ट्यूब्यूल में वो सब्सटेंस मौजूद था, तो इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रो substance is in the tubule which in turn depend on the tubular flow rate. So characteristics iska kya tha is transport ka, sodium ke liye absorption thi in the proximal tubule jahan pe maximum transport capacity jo basolateral membrane ki hai, sodium potassium ATPase pump ki is far greater than the actual rate of NAAT sodium reabsorption. वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इतनी वहाँ पे वो हो नहीं रही रीअब्सॉर्प्शन जितनी वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ से सोडियम जो है वो अमाउंट ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल वो लीक बैक भी कर रहा था इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन थ्रू द एपिथेलियल टाइट जंक्शन। द रेट एट विच दिस बैक लीक अकर्स डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। ये लीक बैक क्यों कर रहा है, जो टाइट जंक्शन थे उनकी परमेबिलिटी है नंबर वन, interstitial physical forces hain which determines the rate of bulk flow reabsorption from the interstitial fluid into the peritubular capillaries. ab interstitial fluid ki apni physical forces hain jo humne bataya tha, hydrostatic forces hain aur colloid osmotic forces hain, aur wo bulk flow reabsorb karte hain fluid ko interstitial fluid se peritubular capillaries mein bhi ja raha hai. ab sodium ki transport jo ho rahi hai in the proximal tubules obeys mainly gradient time transport principle rather than tubular maximum transport. अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हम देखेंगे जो सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो थ्रू ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के जरिए हो रही है, बजाय इसके कि वो ट्यूब्यूलर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट को देखें, ठीक है, वो उसके जरिए नहीं हो रही। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द ग्रेटर इट्स रीअब्सॉर्प्शन रेट। सोडियम जितना ज्यादा मौजूद होगा उतनी ज्यादा रीअब्सॉर्ब भी करेगा। द स्लोअर the flow rate of tubular fluid the greater the percentage of sodium that can be reabsorbed from the proximal tubule. agar tubular fluid ka flow rate kam ho jayega, agar wo aahista aahista flow karta rahega to wahan pe sodium ki jo percentage hai wo zyada ho jayegi, that can be zyada quantity mein sodium reabsorb karega kyunki aahista se chal chal ke aa raha hai, theek hai, from proximal tubule. In the most distal part of the nephron, distal part ki agar baat kare, the epithelial cells have much tighter junctions and transport much smaller amount of sodium. Kyunki humne pehle hi baat ki thi ki proximal jo portion hai wahan pe zyada se zyada jo hai sodium ki reabsorption ho jati hai, theek hai. So the distal parts hai nephron ki apne jo distal portion hai, distal part hai, wahan pe tighter junctions hai, theek hai, और वहां पे जो उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है सोडियम की वो बहुत कम अमाउंट में हो रही है। इन दिस सेगमेंट सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एग्जिबिट अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम सिमिलर टू दैट अदर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस एंड दिस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कैन बी इंक्रीज्ड बाय एन हार्मोन एल्डोस्टेरोन। अब देखिए एक बड़ा हमें ट्विस्टिंग सा पॉइंट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जहां पे सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रही है वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो ग्रेडियंट टाइम के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो टाइट जंक्शन हैं वहाँ से भी जो है वो लीक बैक कर रहा है सेल से, अगेन टाइट जंक्शन से सोडियम जो है वापस लीक बैक कर रहा है ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर, वो वहाँ से फिर दोबारा रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। तो रीअब्सॉर्प्शन सोडियम की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, डिस्टल पोर्शन में कम है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइट जंक्शन वो बहुत ज़्यादा टाइटर एपिथेलियल सेल्स में बहुत ज़्यादा टाइटर जंक्शन मौजूद हैं, बहुत कम अमाउंट में वहाँ से सोडियम रीअब्सॉर्ब होती है। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉक्सिमल रीअब्सॉर्प्शन है जिस प्रिंसिपल को फॉलो करती है वो ग्रेडियंट टाइम प्रिंसिपल है, लेकिन डिस्टल पोर्शन में वो ट्रांसपोर्टिमम को फॉलो करेगी, उसकी अगर सेचुरेशन हो जाएगी तो सोडियम ज्यादा अंदर नहीं जा सकेगा, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज करती है हॉर्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन होता है जो क्या कहलाता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, ठीक है। पैसिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन बाय ऑस्मोसिस इज कपल्ड मेनली टू सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, हमेशा वाटर जो वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बाय ऑस्मोसिस और वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन के साथ हमेशा इकट्ठे होता है, उसके साथ कपलिंग करता है।
when solutes are transported out of the tubule by either primary or secondary active transport, their concentration decreases inside the tubule while increasing in the renal distrition. बड़ी सिंपल सी बात है कि देखें renal tubule के अंदर जहाँ पे filtered fluid आ रहा था वहाँ से ये transport कर गया, either वो primary transport के जरिए transport हुआ या secondary active transport के जरिए हुआ, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द टिब्यूल, टिब्यूल में अब कम हो गई है क्योंकि ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रही है और रीनल इंटरस्टिशियम इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है. अ कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन द सेम डायरेक्शन दैट द सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिब्यूलर ल्यूमेन इनटू इंटरस्टिशियम, रीनल इंटरस्टिशियम. तो जहां पे सॉल्यूट जा रहे होंगे वाटर भी ऑस्मोसिस करता हुआ उनके साथ ही जाएगा. एज वाटर मूव्स अक्रॉस द टाइट जंक्शंस बाय ऑस्मोसिस इट कैन आल्सो कैरी विद इट सम ऑफ द सॉल्यूट्स, अ प्रोसेस रेफर टू एज सॉल्वेंट ड्रैग. अब होता क्या है कि चाहे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो चाहे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, उस ट्रांसपोर्ट के जरिए हो क्या रहा है कि जो ट्यूबुलर ल्यूमन है किडनी का, नेफ्रॉन के जो ल्यूमन्स हैं उसमें उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ट्यूब्यूल में कम हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी रीनल इंटरस्टिशियम में क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है सारा आगे. अब जहां पे सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ठीक है, तो उस सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट जहां पे जा रहा है तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उस सॉल्यूट के साथ साथ वाटर ऑस्मोसिस करके जा रहा है, पैसिव डिफ्यूजन उसकी भी हो रही है. कहाँ से तक जा रहा है वाटर, कहाँ जा रहा है ट्यूब्यूल ल्यूमन से रीनल इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो जैसे ये पानी भी या वाटर भी ये मूव कर रहा है अक्रॉस द टाइट जंक्शंस बाय ऑस्मोसिस, ये अपने साथ साथ कुछ सॉल्यूट्स को भी ड्रैग कर लेता है, ऐसे पकड़ लेता है अपने साथ, वो भी चलेंगे. ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये सॉल्वेंट ड्रैग है. लार्ज पार्ट ऑफ द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स अकर्स थ्रू टाइट जंक्शंस एंड ट्रांससेलुलर पाथवे. अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो ऑस्मोटिक फ्लो है वाटर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, वो टाइट जंक्शन के जरिए भी जा रहा है और ट्रांसलुलर पाथवेज को भी कर रहा है. रीजन इन दैट द जंक्शंस बिटवीन द सेल्स आर नॉट एज टाइट. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो टाइट जंक्शन है वो इतने ज्यादा टाइटर नहीं है, डिस्टल पार्ट में बहुत ज्यादा टाइटर है. द रीजन इज जंक्शंस बिटवीन द सेल्स आर नॉट दैट टाइट एट द नेम वुड बी imply and permit significant diffusion of water and small ions. हमने पहले बात की थी कि इन टाइट जंक्शन के जरिए सोडियम भी अंदर की तरफ मूव कर रहा है ठीक है. दिस कंडीशन इज स्पेशली ट्रू इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाटर एंड अ स्मॉलर बट सिग्निफिकेंट परमिबिलिटी ऑफ मोस्ट आयंस सच एज सोडियम क्लोराइड पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हाई परमिबिलिटी किसकी है, वाटर की, बहुत ज्यादा परमिबल वहां पे, लेकिन कुछ क्वांटिटी में परमिबल है वो आयंस कौन कौन से, सोडियम भी है क्लोराइड भी है पोटेशियम कैल्शियम एंड द कलेक्शन ट्यूब्यूल. द टाइटर जंक्शंस आर फार लेस परमिबल फॉर वाटर एंड सॉल्यूट्स एंड द एपिथेलियल सेल्स आल्सो हैव मच लेस मेम्ब्रेन सरफेस एरिया. अब जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थी उसकी सरफेस एरिया ज्यादा थी क्योंकि हमें ब्रश बॉर्डर मौजूद था ठीक है. तो ये कह रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनके जो टाइट जंक्शन हैं वो बड़ा कम परमेबल है, इतने ज्यादा टाइट है कि वहां से पानी और सॉल्यूट्स गुजर ही नहीं सकते. और एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया वो भी कम है क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है. सो वाटर कैन नॉट मूव इजीली अक्रॉस द टाइट जंक्शन ऑफ द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, वहां से नहीं गुजर सकते. हाउ एवर एंड एंटीडायरेटिक हॉर्मोन्स हैं लाइक ADH है, it greatly increase the water permeability on the distal and collecting tubules. agar AD aa jaye antidiuretic hormone aa jaye to wo yahan pe permeability zyada kar sakte hai. ab wo kyu kar sakta hai, ADH ke yahan pe receptors ho jate hain, evaporins lag jate hain, wo hum aage isko discuss karenge. hum pehle isko thoda sa endo mein bhi discuss kar chuke the. water movement across the tubular epithelium can occur only if the membrane is permeable वाटर डिस्पाइट अ लार्ज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. अब वाटर मूवमेंट जो कर रही है, जो पानी की मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द ट्यूबुलर एपिथेलियम कैन अकर ओनली सिर्फ उस वक्त अगर मेम्ब्रेन परमेबल हो वाटर के लिए डिस्पाइट अ लार्ज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ठीक है. यहाँ तक हमारा आज का जो है वो अच्छा पोर्शन कवर हुआ. मैं थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर देती हूँ कि ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है हमने पहले इसको जो रीनल ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम ट्यूबुलर या पाइकल एपिथेलियम भी कह रहे हैं, वो पैसिवली सोडियम को डिफ्यूज कर रहा है, जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल वो आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पर,
रीनल इंटरस्टिशियम के अंदर, और रीनल इंटरस्टिशियम से ये बल्क फ्लो के जरिए जो वो जा रहा है इनसाइड द ब्लड, ठीक है। और उसके बाद जनाब वहाँ पे जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाटर जो है वो पैसिवली डिफ्यूज होता है, क्योंकि वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूबल में, एक तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, दूसरा हमने देखा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो उसके जो टाइट जंक्शन है बिटवीन द सेल्स वो बहुत ज्यादा टाइटर नहीं है, वो इजिली पानी को और सॉल्यूट्स को अलाउ करते हैं वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है उस एरिया की वो हो सकती है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अगर हम लेटर जो पार्ट्स हैं जो डिस्टल पार्ट्स और नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टाइटर जंक्शन भी मौजूद हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है सोडियम वहाँ से गुजरता है। और अगर हम सोडियम को देखें जो लेटर पार्ट्स हैं उसके नेफ्रॉन्स के, जैसे डिस्टल और कलेक्टिंग और ये सारी डक्ट्स आ जाती हैं, वहाँ पे टाइटर जंक्शन हैं बहुत ज़्यादा, तो ईजिली वहाँ से फ्लो आउट नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जो सोडियम की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन भी हो रही है, और वहाँ पे वो ग्रेडियंट टाइम जो है प्रिंसिपल को फॉलो करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। लेकिन हम जो लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ पे हम देखेंगे जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन है वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो करती है, और जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि वो जो लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर जो है वहाँ के जो जंक्शन बहुत टाइटर है, वहाँ पे सैचुरेशन अगर उसकी हो गई तो वो वहाँ से फ्लो आउट करके नहीं जा सकते। देखिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इतनी मौजूद थी कि सोडियम ईजिली वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन जो डिस्टल पार्ट्स थे उसके नेफ्रॉन के वहाँ पे टाइटर जंक्शन की वजह से पैसेंजर कंफ्यूज नहीं कर सकता। सो अगर हम सोडियम को देखें, सिर्फ सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को, तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ब्यून में एक तो इस वजह से ज्यादा हो रही थी कि जंक्शन पे मौजूद जो लाइटर से थे टाइट जंक्शन बहुत ज्यादा टाइटर नहीं थे, अब वहां पे वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस, और इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो वो इंक्रीज